पटाक पटाक क्या पावर जनरेट क्रिकेट देखी ऐसी क्रिकेट है उनकी बॉलिंग को सर बाद में करेंगे अभी सिर्फ मैक्सवेल एक हाथ से अभी सिर्फ मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया जो बार बार कपिल देव की 175 की इनिंग अगेंस्ट जिम्बाब्वे उस कॉन्टेक्स्ट में और आज ग्लेन मैक्सवेल से कम नहीं है ये इस वर्ल्ड कप का पहला 200 है 200 छोड़ो 100 फलाना ढिमकाना 291 की रन चेज में 200 रन एक बंदा मार गया ये परसेंटेज वाइज भाई सात आउट हो गए थे 90 200 के करीब ये बना दिया 200 कमिस खड़े खड़े रह गए 200 में 170 तो इसने बना दिए होंगे 180 पैट कमिस दूसरी बात ये जिस जगह बनाई जिस जगह बनाया भाई एक टीम का तो एक बहुत बड़ा सपना अफगानिस्तान का तो तोड़ दिया ना मतलब भाई मैंने ये मैंने ट्वीट किया भी कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये ग्रेटेस्ट फिर मैंने लिख दिया प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट कहा ये है ग्रेटेस्ट अमेरिकन पिस्ताशियोज मैक्सवेल आपको लाइफ टाइम हम स्पॉन्सर करते हैं अमेरिकन पिस्ताशियोज नहीं होगा मैक्सवेल के लिए वीडियो लाइक कर दें मैक्सवेल के अगर आप अफगानिस्तान के फैन है तो भी वीडियो लाइक करें बैट के शो में पाएंगे क्रिकेट के फैन है तो भी वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें मैं अफगानिस्तान को भी आज तो भाई कमाल मैंने जिंदगी में वाकई आप ये क्या देखा है बैट के शो नहीं हो पाएगा इसलिए मैं बोला बैट के शो नहीं हो पाएगा जय भाई को कंप्लीट एक एक करके पहले मैक्सवेल पे यार सर जय भाई जल्दी करो आप मुझे बहुत बोल रहे हैं जय भाई की वजह से आज जय भाई हमेशा कहते थे जय भाई की वजह से ओडीआई क्रिकेट इज अलाइव जय भाई को क्रेडिट जय हमेशा इधर ओडीआई शर्मा की है पर के बाद जय भाई सबसे ज्यादा मैच हमेशा जय भाई ने बोला भी है जय भाई ने दिखा दिया कि ओडीआई क्रिकेट इज अलाइव तालियां जय भाई आप ओडीआई क्रिकेट कितने बड़े शौकीन है पर क्या अफगानिस्तान को जिता रहा था यार बट एंड में मुझे ये लगा कि नहीं यार ये बंदा डिजर्व करता है इस इनिंग के बाद ये टीम हार नहीं सकती है और वो चीज उन्होंने अब चलते धीरज भाई के पास धीरज भाई क्या सिचुएशन थी क्या क्या उथल पुथल आज मची है ये आप भी जानते हैं पता ही क्या देखा है इतने लोगों का बहुत ही आज के मैच में मैक्सवेल ने जो बारी खेली है जो लोग कहते थे कि मैक्सवेल बूढ़े हो गए हैं मैक्सवेल को रिटायर हो जाना चाहिए तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है मैक्सवेल की 8-201 रन की कातलाना बारी में अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक दुनिया भर में मशहूर है अफगानिस्तान का स्पिनिंग अटैक राशिद खान बहुत बड़े बॉलर है अफगानिस्तान ने तमाम तर पैंतरे आजमाए तमाम तर स्पिनिंग फास्ट हर अटैक यूज किया स्पिन भी ली बाउंड्री पे फील्डर खड़े किए लेकिन मैक्सवेल को रोकना नाकाम मैक्सवेल ने ऐसी शानदार छड़े के लिए यकीन माने आज के मैच में ऐसी सिचुएशन थी कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया मैच आसानी हार जाएगा और अफगानिस्तान आज का मैच ले जाएगा लेकिन उसके बाद बड़ी ग्लेन मैक्सवेल की ग्लेन मैक्सवेल ने चढ़ते हुए बादलों का रुख मोड़ा हवा का रुख मोड़ा मुखालफिन के मुंह से मैच निकाल लाए इतना बड़ा मैच था आज का जो मैच जीता ऑस्ट्रेलिया ने ऐसी शानदार बारी ना ऑस्ट्रेलिया कभी तारीख में भूलेगा और ना आने वाले ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स तो भूलेंगे और ना ही मैक्सवेल आज की शानदार बारी कभी भूल पाएंगे एक इंजर्ड प्लेयर एक टांग पे खड़ा हुआ प्लेयर बगैर सिंगल रन लिए यहां तक के मैक्सवेल के पास अच्छे वाले मौके थे सिंगल ने लेकिन टांग इंजर्ड थी जिसकी वजह से सिंगल नहीं ले सके सिर्फ छक्कों चौकों पर गुजारा किया और छक्के चौके मारकर 201 रन की कातिलाना बारी खेली इतनी जालिम बारी खेली कि ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 90 रन पे आउट हो चुकी थी और ग्लेन मैक्सवेल ने अकेले ही 201 रन की बारी खेलकर टीम को आज की फतह से हमकरार किया देखिए चाहे वो बहुत इनिंग है कंपेयर किसी का नहीं करूं किसी इनिंग का बट कहते ना कुछ इनिंग्स के लिए आप जिंदा हो मतलब मैं सोच रहा था यार मैं जिंदा और ये इनिंग्स देख रहा हूं ये अपने आप में बड़ी बात बड़ी बात ये बहुत बड़ी मतलब ऐसी इनिंग्स वर्ल्ड कप में बड़ी बात याद करूंगा किसी को बताऊंगा ये बहुत बड़ी इनिंग है बहुत बड़ी इनिंग भाई एक वक्त पर अफगानिस्तान को इवन आखिरी 30-35 रन तक भी आप सोच रहे थे और चाह रहे थे अफगानिस्तान जीते बट उसके बाद मैक्सवेल को क्या कहोगे यार आज जो खेला है मैक्सवेल मैं तो चाह रहा था कि अफगानिस्तान जीते लेकिन दीपक मतलब आपके लिए देखो अफगानिस्तान को भी हराने के लिए आज ओडीआई क्रिकेट की सबसे अच्छी पारी दिखानी पड़ी सही बात है मतलब अफगानिस्तान को हराने के लिए कहूंगा ना सुनी बिग शो ना देखिए हां द बिग शो ही इज द बिगेस्ट शो भाई मैक्सवेल अच्छा थोड़ा मैच के बारे में बता दे अच्छा जय भाई का हो गया हो गया अब उधर का जो है वो हम बाद में बिल्कुल लेंगे क्योंकि आंकड़े हमारा भी हो चुका है बिल्कुल मेरा भी कॉफी हो चुका है आंकड़े भाई ऐसे पाकिस्तान भी सांस ले ले इंग्लैंड भी सांस ले ले
292 रनों की रनचेज थी, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन क्या थी, नई बॉल पर ऐसा लगा कि ये ऑस्ट्रेलिया है, उल्टा लग रहा था कि रोल्स आर रिवर्स, कि ऑस्ट्रेलिया बॉल डाल रहा है और अफगानिस्तान बैटिंग कर रहा है। देवर 49 फॉर 4 और फिर 91 फॉर 7 की भी भूमिका है, अनसेट गेंदें खेली और सिर्फ 12 रन थे, बट एंश्योर किया कि वो वहां पर खड़े हैं मैक्सवेल के साथ, जिस वक्त पर ग्लेन मैक्सवेल दर्द में है, एक मैच पहले कंकशन पर आए हैं, उससे पहले एक फ्रीक इंजरी में अपनी टांग की उनकी प्रॉब्लम हो गई थी, और आज आकर जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, तो भाई इस इनिंग्स के सामने 434 का चेस भी शर्मा जाए, सच बता रहा हूँ, इनिंग्स के सामने ये अनरियल है, अनरियल है, वर्ल्ड कप का मैच है, अफगानिस्तान के साथ मैच है, ये है वो है ऐसा है वैसा, और क्वालिफिकेशन ले लिया आज लोग ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया का मजाक, मैक्सवेल ने बोला रुको अभी बताता हूँ तुम्हें, मजाक उड़ा रहे हो, अभी देखो फिर तुम इनिंग्स ले लगाए छक्के पे छक्के, अब सब तारीफ करेंगे आके, बोलेंगे मैक्सवेल प्लेयर ऐसा है, जब तक वो खड़ा है तब तक बिल्कुल नहीं हो सकता, वही मैं कह रहा हूँ, अब तो बिल्कुल बोलना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल है मैक्सवेल, इसीलिए शायद आईपीएल फ्रेंचाइजी वाहिद वो शख्स थे जिन्होंने जब इनका 115 के करीब रन थे ना, 115-20 ही हुए थे, 125 के करीब इन्होंने कहा था कि 30 रन और, चलिए राहुल भाई को कंधे पर उठा लिया जाए, राहुल भाई ऐसी प्रेडिक्शन मैक्सवेल के लिए, मैक्सवेल के लिए राहुल भाई, इतनी खुशी यार भाई, अनरियल सीन्स यार, ये आज क्या देखने को मिला यार, 201 नॉट आउट, 128 बॉल ओवर, यार आपने मुझे कैसे उठाया यार राहुल भाई, 128 बॉल ऐसे मैक्सवेल को अंडरस्पिन, एक बात है, इस वक्त हमें 75,000 लोग देख रहे हैं, लाइक करो, मुझे पक्का यकीन है आज क्यों का यकीन है, आज क्योंकि मैक्सवेल ने 201 ये जो बढ़ाए हैं, हो सकता है आज ही हमारे 7 मिलियन का परिवार भी हो जाए आपको सब्सक्राइब कर, यार हाईएस्ट स्कोर्स इन अ वर्ल्ड कप गेम 237 नॉट आउट गप्टिल की थी, फिर एक क्रिस गेल का 200 लगा था, पर मैं कह रहा हूँ चार डालने ऐसे लोगों का, एक बात आज की तारीख में ये कहना गलत नहीं होगा, जिस टाइम वो जो कंडीशंस थी और इनके स्पिनर्स मुजीब राशिद और फिर हम बात करते कि नूर भी खेल रहे, आज दिन था सर इनके चले गए थे, दीपक का भी तो मौके भी ले लो, दीपक भाई का भी लिया था, मेरे मौके पे आते